बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा ग्रिड व्यू को। और हमारा जो आज का टास्क है उसमें हम यहाँ पे तीन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज़ को डेटा ग्रिड व्यू में ऐड करेंगे इस ऐड टू ग्रिड व्यू के बटन के क्लिक होने के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रिड व्यू में ऐड करेंगे। अब ग्रिड व्यू किस तरीके से आप कंट्रोल को यूज़ करेंगे, ग्रिड व्यू के टूल्स में जाएँ, डेटा ग्रिड व्यू के नाम से आपको एक कंट्रोल नज़र आ रहा होगा, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे। अब इसमें आप क्या कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, इसमें मैंने तीन कॉलम्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड कॉलम। अब इस कॉलम की टाइप क्या होगी, ये मेरा जो कॉलम है, आप टाइप देखें डेटा ग्रिड व्यू टेक्स्ट बॉक्स कॉलम, यानी ये जो कॉलम होगा ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह बिहेव करेगा जिस तरह ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, नेम ऐड। फिर इसी तरीके से मेरे पास जो अगला कॉलम होगा उसमें मैं एज कह रहा हूँ ऐड। फिर उससे जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसको मैं कह रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये आपके पास कॉलम्स ऐड हो गए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स तो ऐड हो गए, पर मैं चाहता हूँ ये कॉन्टैक्ट की जो विड्थ है, ये लेंथ है, ये थोड़ी ज़्यादा हो। तो हम इस पर्पस के लिए एडिट करेंगे कॉलम को, और कॉन्टैक्ट नंबर में जाके एक प्रॉपर्टी है विड्थ की, उस प्रॉपर्टी को हम कर देंगे 150। तो वो आप अगर आप देखेंगे तो आपको ये व्यू नज़र आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, के ऐड के बटन के बैक एंड के ऊपर नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर की वैल्यूज़ को डाटा ग्रिड व्यू में हम ऐड करेंगे। अब मैं इस बटन के डबल क्लिक करूँगा तो एक इवेंट इसका क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम कंफर्मेशन मांग लेते हैं कि आया वाकई हम इस डाटा को ऐड करना चाहते हैं। तो मैसेज बॉक्स हम देखेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब कंफर्मेशन के लिए इस मैसेज बॉक्स अगर मैं देखूं तो इसके कुछ ओवरलोड्स नज़र आ रहे हैं, यानी इस मैसेज बॉक्स के कितने ओवरलोड्स हैं, 21 ओवरलोड्स हैं। एक में स्ट्रिंग मैसेज ले रहा है, कुछ डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है, स्ट्रिंग टेक्स्ट एंड कैप्शन, कैप्शन जो आपके पास ऊपर आ रहा होगा। इसी तरीके से मैसेज बॉक्स एक और होगा स्ट्रिंग कैप्शन और मैसेज बॉक्स बटन से हम इस वाले को इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट कैप्शन, कैप्शन जो आपके पास मैसेज बॉक्स के टॉप पे आएगा, यानी पहला टेक्स्ट क्या है, डू यू वॉन्ट टू ऐड टू ग्रेट क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब कैप्शन क्या है, ये कैप्शन हमारे क्या है, कन्फर्मेशन है, हम कन्फर्मेशन कर रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट चीज रख रहे हैं मैसेज बॉक्स बटन, मैसेज बॉक्स बटन्स आपके पास डॉट, कौन से बटन्स आपने यूज़ करने हैं, येस नो ओके का यूज़ करना है, येस नो का करना है, येस नो कैंसिल का करना है। तो हम येस नो के बटन्स को यूज़ कर रहे हैं, या आप ओके या कैंसिल के बटन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ कन्फर्मेशन येस या नो में है तो हम येस नो को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, आपके इल्म में था कि ये, या आपके इल्म में है कि ये जो वैल्यू है ये डायलॉग रिजल्ट रिटर्न करते हैं, यानी अगर मैं येस नो कह रहा हूँ इसका मतलब है आपके पास कन्फर्मेशन में या तो येस आया होगा या नो आया होगा। तो हम इसकी वैल्यू को किसी डायलॉग रिजल्ट में कैप्चर करते हैं। अगर ये आपके पास, ये जो डी आर है ये आपके पास बराबर होगा डायलॉग रिजल्ट डॉट येस के, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डाटा को स्टोर करवाना चाहते हैं, अदरवाइज हम डाटा को स्टोर नहीं करवाएंगे। अब डाटा ग्रिड व्यू में डाटा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा ग्रिड व्यू का नाम, वैसे मैं इसमें इसका नेम चेंज कर देता हूँ, डी जी वी, इसकी प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ पे मैंने चेंज किया डी जी वी एम्प्लॉय इन्फो, यानी इसमें एम्प्लॉय इन्फो है, ऐड टू ग्रिड व्यू। अगर ये येस कह रहा तो हम ग्रिड व्यू में डाटा को ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे, डी जी वी एम्प्लॉय इन्फो डॉट रोज डॉट ऐड, यानी एक नई रो हमने ऐड करनी है। अब उस रो में फिलहाल कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा, हो सकता है टेक्स्ट बॉक्स एम टी हो। टी एक्स टी, पहला पहली वैल्यू क्या होगी, नेम, दूसरे कॉलम की वैल्यू क्या होगी, टी एक्स टी एज डॉट टेक्स्ट, कॉमा तीसरा क्या होगा, टी एक्स टी कॉन्टैक्ट डॉट टेक्स्ट। तो जब मैं इस तरीके से मेंशन करूंगा तो ये डाटा आपके पास डाटा ग्रिड व्यू में ऐड हो जाएगा डॉट टेक्स्ट। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे नेम मैं देता हूँ अली, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ दिस दिस दिस, और एज मैं दे रहा हूँ ये, मैं फिलहाल वैलिडेट नहीं कर रहा, ऐड टू ग्रेड व्यू। अब आप देख रहे हैं कन्फर्मेशन, ये कैप्शन था हमारा, डू यू वॉन्ट टू ऐड टू ग्रेड, येस या नो, ये दो बटन है। मैं अगर नो पे क्लिक करूंगा
तो वो डाटा ऐड नहीं होगा। अगर मैं फिर दोबारा क्लिक करूँगा, मैं येस पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे ये एली आ रहा है। मैं यहाँ पे खुद से भी डाटा टाइप कर सकता हूँ, जिस तरह मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो विजिबल ना हो, तो इसमें एक प्रॉपर्टी है मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू के अंदर, उस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। इस पर राइट पे आऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में मेरे पास अलाउ यूज़र टू एड रो, ये ट्रू नज़र आ रहा होगा। इस ट्रू को मैं क्या किस में चेंज कर दूंगा, फॉल्स में चेंज कर दूंगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और आने वाले लेक्चर्स में हम इस डाटा ग्रिड व्यू का जो डाटा है उसको हम डाटा बेस के अंदर स्टोर करेंगे, और एक अपना मैसेज बॉक्स का कंट्रोल भी बनाएंगे, जिसमें हम ये मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले करके येस या नो की कन्फर्मेशन होगी। और हम जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर की वैलिडेशन डिस्कस करेंगे, कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, नेम में ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी।